मैं नहीं चाहती थी क्योंकि मैं हले देखा तो बफर हो रहा हो फिर डिलीट ही हो जाएगा बिकॉज इन्नी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है गोधरा कांड की हैंडलिंग के बारे गल की है पहले एपीसोड दूजे एपीसोड उन्होंने हूं तक भी उन्होंने कारगुजारी 2014 तो बाद 19 चोणों का आना हूँ किस तरह का माहौल है उन्होंने लैके ये सारिया गलों उन्होंने दिखाने की कोशिश की है ये जरूर जानना चाहूंगा मिशा दे मैं भी लभन की कोशिश की हालांकि मैं मिली नहीं हैगी तुसी कित्थों लभी मैं बिल्कुल सीधा सीधा और साफ रस्ता दसांगी जिथों मैं लई मैंबर पार्लियामेंट ने तृणमूल कांग्रेस दे महुआ मोइत्रा ने ट्विटर ते ट्वीट किया सीगा लिंक और उन्होंने पहला एपीसोड भी पाया और फिर दूजा भी लिंक देता सीगा हालांकि ये मैं दसदा कि वह ब्रिटिश आर्काइव उन्होंने बीबीसी की आर्काइव च ही लिंक सीगा मगर कुछ दिन बाद लिंक तो भी उतों हटा दी गई है डॉक्यूमेंट्री बट मैनू लग रहा है आई कुड एंटीसिपेट कि इतों भी डिलीट हो जानी है सो आई डाउनलोडेड इट एंड हैव बोथ द वर्जन्स मतलब मेरे को दोनों इंटेलिजेंस यूज की थी डाउनलोड करके अपने को सेव कर हाँ बिकॉज मैं देखना चाहती थी मैं नहीं चाहती थी कि मैं हले देखा तो बफर हो रहा हो फिर डिलीट ही हो जाए बिकॉज इन्नी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है कि देखना बनता भी सीगा उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए उन्होंने ऑफकोर्स बहुत ही कहते दुख की रग सरकार दी या सरकार दी ते नहीं बेसिकली क्योंकि जदों आपां भारत सरकार दी गल करिए ते वो बीजेपी या किसी एक शख्सियत तो वड्डी चीज हुंदी है सो एक पर्टिकुलर पर्सन इन क्वेश्चन प्रधानमंत्री मोदी बारे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं या उन्होंने गोधरा कांड की हैंडलिंग के बारे गल की है पहले एपीसोड के दूजे एपीसोड के उन्होंने हूँ तक भी उन्होंने कारगुजारी 2014 तो बाद 19 चोणों का आना तो हूँ किस तरह का माहौल है उन्होंने लैके ये सारिया गलों उन्होंने दिखाने की कोशिश की है सो बेसिकली मेरा फिर उत्थे आंदा है घूम फिर के कि बिना देखे तुसी क्यों इन्हों नल एंड वॉइड घोषित कर रहे हो और दूजी गल मैं सरकारां नूं ये भी जरूर पूछना चाहवांगी कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵਾਂਗੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ Let me sample it and decide it. Exactly. तुसी देखोगे तो तुसी कह दोगे कि oh, this is a biased this one. This is biased. तुसी कहोगे oh, this is a good one. So तानू decide करन दी देनी चाहिए आजादी. Power तो देनी चाहिए, freedom तो होनी चाहिए. तुसी एक democracy दे विच चल रहे हो, तुहाडे कोल कोई content आया, तुहाडा अपना opinion हो सकदा है. एही opinion हर एक citizen दा भी तो हैगा. मैनू अधिकार होना चाहिए है कि मैं देखा, मैं खुद फैसला लवा कि ये propaganda है या मैनू सही लग रही है. ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਤਾ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਾ ਉਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿਨਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ